हेलो फ्रेंड्स, केबल एंड वायर सेक्टर की शानदार कंपनी डायनामिक केबल्स के बारे में बात करेंगे, जिसका दिसंबर क्वार्टर शानदार आया है। और यह शेयर आपको याद होगा, मैंने नवंबर में आपको रिकमेंड किया था जब इसका रेट था 60 रुपीज़, एंड इसका फ्राइडे का क्लोजिंग है अभी 137 रुपीज़। सिर्फ 3 मंथ्स में यह शेयर डबल हो चुका है फ्रेंड्स। और यह कंपनी जो करती है, ये पावर केबल्स एंड ट्रांसफार्मर केबल्स, बड़े टाइप के केबल्स बनाती है। और इसका फंडामेंटल जान लीजिए, दिसंबर क्वार्टर भी जान लीजिए। इसका फ्राइडे का क्लोजिंग था 137 रुपीज़ एंड 52 वीक हाई था 137 रुपीज़। अभी टोटल अपने 52 वीक हाई पे चल रहा है, क्योंकि ये दिसंबर क्वार्टर बहुत शानदार आया है। इसका पी है 10 का, जो कि अभी भी अंडर वैल्यूड है। ईपीएस इज 13, जो कि बहुत ही अच्छा है। डेट टू इक्विटी रेशियो इज 0.80, मतलब कंपनी पर डेट भी काफ़ी रिजनेबल है। इसका इंट्रेंसिक वैल्यू है 165 रुपीज़, हमें मिल रहा है 137 रुपीज़ में। ग्राहम नंबर है 130 रुपीज़, हमें मिल रहा है उसके आसपास ही 137 रुपीज़ में। प्रोमोटर होल्डिंग की बात करें तो प्रोमोटर्स के पास है 74.30%, जो कि काफ़ी स्ट्रांग है। एफआईआई का भी इसमें होल्डिंग है 0.05%, डीआईआई का कोई इसमें होल्डिंग नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे कि इसका ईयर ऑन ईयर एंड क्वार्टर क्वार्टर रिजल्ट कैसा आया। तो दिसंबर 2020 में इसको प्रॉफिट था 20 लाख रुपीज़। सितंबर 2021 में प्रॉफिट था 7 करोड़ 85 लाख रुपीज़, एंड दिसंबर 2021 में प्रॉफिट हो गया 9 करोड़ 10 लाख रुपीज़। तो फ्रेंड्स, आने वाले दिनों में ये शेयर हमें आराम से 200 का लेवल दिखा सकता है मार्च तक। तो आप डायनामिक केबल्स को ज़रूर अपने पोर्टफोलियो में ऐड कीजिए। कंपनी का नाम है डायनामिक केबल्स, तो आप ज़रूर इस कंपनी को स्टडी करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको टारगेट दिखा सकता है अराउंड 2 to 3 मंथ्स में 200 से 225 के। थैंक यू फ्रेंड्स।